अच्छा, आपके माशाल्लाह वकील साहब बैठे हुए हैं कॉल सेंटर में, हमने एक झलक देखी है, उनको ज़रूर विजिट करेंगे। अब इनके पास जब कोई क्यूरी आती है, कोई सवाल जवाब, कोई मुशावरत मांगता है, तो ये बस डायरेक्ट कर देते हैं या आपके कोई फेसिस हैं? भाई फर्ज करें कि मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, तो मेरे से ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है जिसने उसको चेक करना है कि भाई ये एडवाइस गलत है, सही है, इसमें कौन सी चीज़ ऐड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ रिमूव करनी चाहिए, ऐसा भी कोई सिस्टम है आपके पास? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे पास शायद आपने विज़िट के दौरान ये एक बोर्ड देखा होगा जिसके ऊपर जो है हमारे जो साबका हमारे कोलीग्स हैं उनकी तस्वीर लगी हुई हैं। ये सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर जो है ये एक तरह से जो है एक तरबियत गाह भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है। जैसे इरफान आप वकील हैं, आप जैसे वकील माशाल्लाह जो अपनी फील्ड में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुल्क कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो यहाँ पे जब जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो उनकी बाकायदा यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही होती है एक तरह से। एक तो पूरा ट्रेनिंग प्लान होता है पूरे साल का कि हर आने वाले नई अमेंडमेंट्स पे या कानून साजी पे मुख्तलिफ चीज़ों पे एज़ पर देयर नीड हमारा पूरे साल का ट्रेनिंग प्लान होता है। हर क्वार्टर में हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। इसके अलावा एक डेली बेसिस पे जो उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है कि मुल्क के किसी हिस्से से कोई भी क्यूरी किसी ने रेज़ की, कोई सवाल किया, उसने हमारे वकील ने उसको मशवरा दिया, अब उसकी क्यूरी को सिस्टम उस वक्त तक अप्रूव नहीं करेगा जब तक कि चीफ लीगल एडवाइज़र साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जज हैं उस क्यूरी को पढ़ नहीं देते, उसको इंडोर्स नहीं कर देते। अगर कहीं पे कोई कमी बेशी होती है तो चीफ़ लीगल एडवाइज़र साहब उस वकील को कहते हैं कि इस बंदे को दोबारा कॉल करके आप ये भी बताएं। तो इस तरह से आप नोट करें कि क्योंकि लोगों की बाकायदा तरबियत हो रही होती है, ट्रेनिंग हो रही होती है, तो यही वजह है कि ये दीवार जो है ये उन लोगों से सजी हुई है जो हमारे साबका कोलीग्स थे। अब ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, ख़ास तौर पे लॉ की फील्ड में आप देखें कि कोई जो है सीनियर सिविल जज है तो कोई प्रोसिक्यूटर हैं, तो मतलब कि मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में जो है ना ये आगे बढ़े हैं, ख़ास तौर पे लॉ की फील्ड में, तो ये वो कोलीग्स हैं हमारे। सब लीगल एड सोसाइटी गैर सरकारी तंजीम जी जी, तो गवर्नमेंट के कौन कौन से इदारे हैं जो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं? जी गवर्नमेंट के जो है इस वक्त हम हैं तो मतलब के गैर सरकारी तंजीम, लेकिन सरकारी इदारों के साथ मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली लीगल एड सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ इदारों को उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रही है। इस वक्त जिन मेन इदारों के साथ हम काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे हमारा जो जिस तरह से सर बता रहे थे कि महकमा कानून है, लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा जो है सिंध ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के हम लोग जो हैं काम कर रहे हैं और लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और मिलके लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा।